16 जुलाई 2013 को रेवारी हरियाणा में एक बुजुर्ग महिला की दम घोंटकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। क्या वजह थी इसके पीछे? बदला, जायदाद या कुछ और? साफ जाहिर है कि हत्यारा बुजुर्ग महिला को जानता था। आखिर कौन था ये हत्यारा और कौन थी ये बुजुर्ग महिला? आइए देखते हैं धोखा और फरेब की एक दिल दहला देने वाली सच्ची घटना। देख, सच सच बता, कितनी चोरियां की है तन्ने? नहीं अम्मा जी, मैं चोर नहीं हूँ। मैं कसम खा के बोल रही हूँ अम्मा जी, मैंने कुछ नहीं किया। चल हट, चोर नहीं कहीं की, झूठ बोलती है। मेरा विश्वास करिए अम्मा जी, मैं चोरनी ना हूँ। बता मुन्ने के कंगन कहाँ है? जब मैंने कुछ चुराया नहीं अम्मा जी, तो मैं क्या बताऊँ आपको, मैंने चोरी नहीं की अम्मा जी। जाने दीजिए ना माँ जी, बेचारी। कोई जरूरत नहीं है इन लोगों पर तरस खाने की। मेरी बात का विश्वास करो, मैंने चोरी ना की। कोई बात नहीं, तू जा भी, अम्मा भी गुस्से में हैं, बाद में आना। तेरा आज से इस घर में काम बंद। अरे अपने शक्ल भी मत दिखाना, जा। अम्मा जी छोड़िए ना, इतना गुस्सा आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मैं आपके लिए काढ़ा बनाकर लाई हूँ, आप ये पीछे। क्या बात है, ये सुबह सुबह क्या आवाज आ रही है? पहला घूमा क्या बात है, आप दोनों इतने टेंशन में क्यों लग रहे हैं? अरे क्या बताओ बेटा, 6 महीने हो गए, जितनी भी काम वाली रखती हूं सब की सब चोर निकली। बस अब तो ठान लिया, कोई भी काम वाली नहीं रखूंगी। सास और बहू मिलकर सारे काम निपटा लेंगे। देखो रूबी, अब उम्र हो रही है, घर की जिम्मेदारी अब मुझसे नहीं संभलती। ये घर की और तिजोरी की चाबी तू ही संभाल बेटा। नहीं नहीं माँ जी, मैं अभी इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे निभा सकती हूँ, इसे तो आप अपने पास ही रखिए। अच्छा, मुझे बहुत सारा काम है, मैं जाती हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये शादी का फैसला बिल्कुल सही था। हाँ माँ, और आज तक तूने जो भी फैसला लिया वो गलत थोड़ी ना लिया। वाकई में आपकी बहू बहुत अच्छी है। चोरी असली तो है ये? चाहो तो जांच करवा लो। गुस्सा होगी, नाराज होगी लड़की। आज बड़े समय पर आई है तू। भगवान कसम, तुम्हारे बारे में सोच रहा था। वो क्या कि दारू की आखिरी बोतल है ये, और पैसे भी खत्म हो गए। अभी तो जैसे तैसे करके इस कंगन का काम चला लूंगा मैं, पर पैसे की जरूरत तो पड़ेगी ना।
सारा साथ मिल जाता ना तो भगवान कसम जिंदगी में सुकून आ जाता कम वक्त। नहीं मुझे जाना है, मार्केट के बहाने आई हूँ, मैं चलती हूँ। कहाँ जा रही? देख मैं ना सिर्फ पैसे का नहीं, मैं ना प्यार का भी बुक का हूँ। मैंने ना नींद नहीं आती आजकल। एक काम कर, किसी रात ना हमारे कमरे में आ जा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। देख ले रानी, सोच ले, हमारा नेचर जानती है, मैं तुम्हें थारे कमरे में आ जाऊंगा, सोच ले। हैं? रूबी जय के साथ एक सुखी शादीशुदा जिंदगी जी रही थी। उसके पास वो सब कुछ था जो एक औरत चाहती है, एक अच्छा घर, प्यार करने वाला पति, माँ जैसी सास और एक छोटा सा बेटा। पर कोई तो था जिसके बारे में रूबी अपने परिवार से छुपा रही थी। आखिर कौन था ये आदमी और रूबी से इसका क्या रिश्ता था? आखिर क्यों रूबी अपने ही बच्चे के कंगन चुरा के उसे सौंप रही थी? क्या रूबी ब्लैकमेल हो रही थी? अगर हाँ तो ऐसा कौन सा राज उस आदमी के सीने में दफन था? या कहीं ऐसा तो नहीं था कि दोनों मिलकर जय के परिवार को धोखा दे रहे थे? आखिर माजरा क्या था? जैसे तैसे करके इस कंगन का काम चला लूंगा मैं, पर पैसे की जरूरत तो पड़ेगी ना। रूबी खाना क्यों नहीं खा रही? कहाँ खो गई? कुछ नहीं माजी, मुझे लगता है मुन्ना रो रहा है, मैं अभी देख कर आती हूँ। पर मुझे तो मुन्ना के रोने की कोई आवाज नहीं आ रही। क्योंकि आप उसकी माँ नहीं है। मैं देखती हूँ। फिलहाल ये पैसे अपने कमरे में रख देती हूँ। माँ ये रूबी कहाँ चले गई? मैं देख के आता हूँ। कोई जरूरत नहीं, बस तुम खाना खा लो, बड़ी माँ बनने आई ना, वो संभाल लेगी। खाना खाओ, चलो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जानते हो ना तारे बगैर मैंने नींद नहीं आते। नहीं सुंदर, ये लो तुम्हारे पैसे, प्लीज यहाँ से जाओ। माँ ये आवाजें कैसे आ रही? देख पैसे देना तो थारी ड्यूटी है, वो तो तुम्हारे घर आकर देती है और देगी ही। माँ कुछ आवाजें आ रही है, मैं रूबी को देख के आता हूँ। ये पकड़, इस समय मैं कुछ और लेने आया हूँ। वो लेने आया हूँ जिसकी वजह से मेरी नींद आराम हो रखी है। चेन और रखा हूँ, बावड़ा और रखा हूँ, समझी? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ सुंदर, प्लीज तुम जाओ यहाँ से। देख मैं भी तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बात मान जा।
तेरी फैमिली बर्बाद हो जाएगी, तुम जाओ यहाँ से। मैं भी बर्बाद हो रहा हूँ, मेरी बात मान। अरे रूबी क्या कर रही हो? अरे आवाजें कैसे आ रही है? कैसी आवाजें? कोई भी तो नहीं। अच्छा जल्दी चलो, खाना ठंडा हो रहा है। हाँ आप चलिए, मैं आती हूँ। सुंदर, एक शातिर ब्लैकमेलर घर में घुसा है। रूबी के पति और सास की नाक के नीचे उसने रूबी को धमकाया, मगर रूबी अब भी खामोश थी। ऐसी क्या मजबूरी थी उसकी? ऐसा क्या राज छुपा था सुंदर के पास जिसे वो खुलने नहीं देना चाहती थी? जिसके डर से उसने अपने पति और सास से सब कुछ छुपाया और अपने ही घर में चोरी जैसा शर्मनाक काम किया। वो सीधे सीधे पुलिस की मदद लेकर सुंदर से छुटकारा पा सकती थी, फिर क्यों रूबी ये बात छुपाकर अपनी शादीशुदा जिंदगी को खतरे में डालना चाह रही थी? आखिर एक संभ्रांत और भले घर की बहू का सुंदर जैसे बदमाश से क्या रिश्ता था जिसका सुंदर बार बार फायदा उठा रहा था? जय, बहू जल्दी आओ। क्या हुआ माँ? बेटा, घर खर्चे के 5,000 रुपया रखे थे, यही चले गए। माँ आपने आखिरी बार पैसे कहाँ रखे थे? बेटा यही तो रखती हूँ हमेशा। आप इधर आइए, मैं देखता हूँ। माँ, आप याद करने की कोशिश करो, कहीं और रख के भूल गए होंगे। हाँ, और वैसे भी चोरी थोड़ी ना हो सकते हैं, अब तो घर में काम वाली बाई भी नहीं, और तिजोरी की चाबी भी 24 घंटे आप ही के पास में रहती है, पैसे गायब होने का सवाल ही नहीं उठता। बहू, तुमने कहीं देखा पैसे? शायद मैं कहीं रख के भूल गई। नहीं माँ जी, मैंने तो बिल्कुल भी नहीं देखे। पैसे गायब कैसे हो सकते हैं माँ? हम तीनों के अलावा इस घर में और कौन है? क्या बात है, आज बहुत कोई सुंदर दिख रहा है। क्या करें, मुन्ना जाग जाएगा। मुन्ना तो सो रहा है। क्या बात है, आजकल बहुत खोई खोई रहती हो। कहीं कोई? फिर ऐसी बात मत कीजिएगा। तो फिर इतना दूर दूर क्यों रहती हो, करीब क्यों नहीं आती? देखिए माँ, कोई नहीं आएगा। क्या हुआ जी? कुछ नहीं, मुझे लगा मम्मी जी आ गई। सुनो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ। तुम्हें मार्केट जाना था ना, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं आप जाइए, मुझे थोड़ा लेट हो गया। ठीक है।
मैंने तुमसे कहा था ना कि अभी कुछ दिनों में तुम्हें कुछ नहीं दे पाऊंगी। अभी कुछ ही दिनों पहले तो मैंने तुम्हें अपने बच्चे का सोने का कंगन दिया था, फिर तुम घर क्यों आए? कोई देख लेता तो। सुन, परेशान ना हो यार, बैठ। अरे आराम से, पगली गिर जाएगी, चोट लग जाएगी तने। तने तो पता है ना मैं क्या चाहूँ, पता है ना? अरे पता है ना तने क्या चाहिए? हाँ बताओ ना, तने तो पता है, तू तो हमारी पुरानी बीबी रह चुकी है, बोल ना। कितना जिद करती है, तुम समझते क्यों नहीं हो? मेरी शादी हो चुकी है, मेरा एक बच्चा है, ये सब नहीं हो सकता। देखो डार्लिंग, अरे यहाँ देखो ना, मैं के कर सके हूँ के नहीं कर सके हूँ ये तो मैं तन्ने कभी भी बता दूंगा। हाँ अभी तो तू मैंने ये बता कि ये जो कुछ हो रहा है, अगर तारे घर वालों को पता चल गया तो ये जो रोज रोज पैसे चुरा चुरा के, गहने चुरा चुरा के ला रही है, अगर वो घर वालों को पता चल गया तो क्या होगा? मैंने तो दिखाई दे रहा है, धक्के मार के घर से बाहर निकाल देंगे। नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे, वो लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं उन्हें सब समझा दूंगी, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। प्यार तुमने भी कर रहे हो ना तने, मैंने भी समझा देना। तो नहीं हो सकता, समझा देना। अरे धारी ये अदा तो मैंने पसंद है, जब तारे घर के सारे पैसे खत्म हो जाएंगे, गहने खत्म हो जाएंगे, तब क्या करेगी तू? तब तो तन्ने हमारे पास आना ही पड़ेगा, है? अरे आज आप इतना जल्दी वापस आ गए, चलिए मैं आपके लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। क्या हुआ, ऑफिस में कोई बात हुई क्या? सब ठीक तो है ना? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे जय? जय मुन्ना तो ठीक है ना? जय मुन्ना कहाँ है? मुन्ना कहाँ थी? सब्जी लेने गई थी माँ जी। क्यों? मैंने इन्हें बताया था। अब और कितना झूठ बोलेगी, सच बता कहाँ थी? तुमने माँ जी की तिजोरी में से पैसे निकाले, क्यों और किसको देने के लिए? मैं किसी को पैसे क्यों दूंगी? मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हें किसी और आदमी से मिलते हुए, उसको चुराए हुए पैसे देते हुए, और उसके बाद में तुम उसके करीब। जिस चीज को देख के मुझे शर्म आ गई, उस काम को करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? कौन है वो, क्या संबंध है तेरा उसके साथ? तूने क्यों धोखा दिया हमें, बता। नहीं माँ, इसको इस घर में नहीं बल्कि उस घर में जाके रहना चाहिए जिस घर से ये आ रही है। चल चल। नहीं जय, चल जय, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनिए। धोखे बाज औरत, तेरी यही औकात है, निकल जा, निकल जा मेरे घर से। ब्लैकमेल कर रहे जय, वो मुझे बहुत टाइम से ब्लैकमेल कर रहा है, इसलिए मुझे चोरी करनी पड़ी और सबको जताया कि सारी चोरियां नौकरों ने की है। कौन ब्लैकमेल कर रहा है और क्यों ब्लैकमेल कर रहा है तुम्हें? मैं नहीं बता सकती जय, मैं कुछ नहीं बता सकती। रूपी, अगर तुम वाकई में सच बोल रही हो
और तुम किसी मुसीबत में हो तो हम लोग पुलिस की मदद ले सकते हैं, लेकिन तुम्हें मुझे बताना ही होगा। मैं कुछ नहीं बता सकती जय, मैं कुछ नहीं बता सकती। ठीक है, अगर तुम सच नहीं बताओगी तो वो बताएगा। क्या कर दिया भाई, अरे खून निकाल दिया हमारा तन्ने, इतना गुस्सा करने से ना अरे घर की बेइज्जती हो जाएगी, बात समझ जा। मार के तुमने झबड़ा हिला दिया हमारा, ये सब ठीक ना करा तने। तुम टेंशन तो पहले से ही आया था यहाँ पर। ओ बेगम साहिबा, आप भी आ गई, आपको तो नमस्कार है। तुम दोनों के बीच का पर्दा तो हट ही गया, बाकी जो बचा वो मैं खुद हटा देता हूँ। सुन भाई, हमारा नाम सुंदर है और ये जो लड़की खड़ी ना यहाँ पे रूबी, हमारी पत्नी है, मैं इसका पति हूं। पति मने परमेश्वर, वो उर्दू में सौर कहे, अंग्रेजी में हस्बैंड। रूबी क्या ये सच कह रहा है, क्या ये तुम्हारा पति है? रूबी बोलो, क्या ये तुम्हारा पति है? नहीं जय, मेरे पति तुम हो। जय तुम ही मेरे पति हो, सिर्फ तुम। सिर्फ तुम। अरे चोरी चोरी, समाज की तो तने परवाह है ना, कम से कम कानून की तो परवाह कर ले चोरी। जब 18 साल की थी ना तू, जब तेरे बाप ने तेरा हाथ मारे हाथ में दिया था, भूल गई? शादी हुई थी हमारी, मैंने छोड़ के भाग के तू गई थी। अरे बाप ने मारे ऊपर केस कर दिया, मैंने जेल भेज दिया। जेल से निकलने के बाद 2 साल तक बहुत ढूंढा मैंने, थारे को भी और थारे बाप को भी, पता चला कि दोनों के दोनों गांव छोड़ करके भाग लिए। आखिरकार मिली गए। अरे शादी कर ली तूने? और बच्चों भी पैदा कर लिया, बहुत तरक्की कर ली है। क्या कह रहा है ये आदमी, क्या इसकी सारी बातें सच हैं? ये तुम्हारा पति है? हाँ जय, पिताजी ने मुझसे झूठ कहा था, ये जेल में मर चुका है, फिर उन्होंने ही मेरी शादी तुमसे करवा दी। इसका मतलब तुम पहले से शादीशुदा थी? मुझे माफ कर दो। माफ कर दो तुझे? कभी नहीं, निकल जा मेरे घर से। मैं अब कहाँ जाऊंगी माँ जी, मेरे बाबा भी मर चुके हैं, उन्होंने सिर्फ आपको ही नहीं मुझे भी धोखा दिया, मुझसे भी झूठ कहा कि सुंदर मर चुका है। तुझे ये तो बताना चाहिए था तू विधवा है, सच पता चलने के बाद भी तुमने सच हमसे छुपाया, तू भी अपने पिता की तरह झूठी है। माँ जी, मुझे पिताजी ने कसम दी थी, और एक मरते हुए आदमी की कसम मैं कैसे तोड़ सकती थी? मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझे इस घर से बाहर मत निकालिए। जय, जय, तुम तो समझो जय, मुझे एक मौका दो, मुझे मत ठुकराओ जय, मैं जीवन भर तुम्हारी दासी बनकर रहूंगी, मुझे बस अपने घर में और अपने चरणों में थोड़ी सी जगह दे दो, मुझे मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो जय।
मुझे अपना लो, मुझे अपना लो जय, मुझे अपना लो। ये तो क्या कर रहे जय? हमें रूबी को एक मौका और देना चाहिए। इसने जो कुछ भी किया मजबूरी में किया है। ये दिल से हमारा बुरा नहीं चाहती और ये बात आप भी जानती हैं। जैसे हमारे साथ में धोखा हुआ है वैसे इसके साथ में भी धोखा हुआ है। इसने हम सब से झूठ बोली है, इसीलिए मैं इसे कभी नहीं माफ करूंगी, कभी नहीं। रूबी, आज तक जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारा अतीत था। अब मैं तुम्हारा पति नहीं हूं। अदालत इस शादी को कभी नहीं मानेगी, कभी नहीं। ये क्या कह रहे हो जय? मैंने अग्नि को साक्षी मानकर तुमसे विवाह किया है, तो मैं आत्मा से अपना पति मानती हूँ। आत्मा से बढ़कर कोई अदालत नहीं होती। मेरे साथ हो ना। हाँ। फिर दोबारा कभी ऐसी बात मत करना। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार। कानूनन इस समय रूबी सुंदर की ब्याहता थी और जय से उसकी शादी नाजायज थी। रूबी को अपना परिवार बिखरता हुआ नजर आ रहा था। हालांकि जय एक समझदार पति होने के नाते अपना परिवार और अपने बच्चे का भविष्य सुरक्षित करना चाहता था। कानूनी तौर पर रूबी और सुंदर की शादी को अमान्य करार दिलवाया जा सकता था, लेकिन सुंदर जैसे बदमाश हमेशा गैर कानूनी रास्ता ही अपनाते हैं। मामला बहुत पेचीदा हो गया था। एक तरफ मासूम जय और रूबी थे और दूसरी तरफ सुंदर जैसा बेरहम अपराधी जो हर हाल में रूबी को पाना चाहता था। मैं जानता हूँ ये कौन है, आज नहीं छोड़ूंगा इसे। अरे कहाँ है तू? सामने आ। क्या करूँ भाई मैं? जाऊँ? बता क्या करना था जय? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। रूबी के पिताजी ने जो तुझ पे डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगाया है उसको दोबारा खोलूंगा मैं। तुझ पे ब्लैकमेलिंग का केस लगाऊंगा मैं। और तो और जो तू 3 साल के लिए जेल गया था ना, अब की बार जिंदगी भर के लिए जाएगा। चाहे मेरा घर बिक जाए लेकिन अब की बार ऐसा वकील लाऊंगा जो तुझे अच्छे से अच्छा समझ सके। माँ मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। Number you are trying to call is currently. The number you are trying to call is currently. माँ जी, उनका फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। हाँ मेरे बच्चों, मैं पुलिस स्टेशन में पूछती हूँ, वो वहीं गए होंगे। जय चौधरी का घर है ये? जी आइए, आप लोग मेरे साथ हैं। हाथ नहीं। इसका हाथ इंस्पेक्टर, इसी की वजह से सब कुछ हुआ है।
किसका हाथ है? साफ साफ बताओ। सर, सुंदर और इनका झगड़ा हुआ था, ये उसकी रिपोर्ट लिखवाने गए थे, जरूर उसी ने इन्हें मारा। आप उसे पकड़ लीजिए, आप सुंदर को पकड़ लीजिए सर। सुंदर जी, आप मैंने कुछ नहीं किया, आप सब लोग गलतफहमी हो रही है। जय के एक्सीडेंट के समय कहाँ था तू? अब मैं तो अपने दोस्तों के साथ दारू पी रहा था देसी ठर्रे की दुकान पर। ये झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर साहब। मैं झूठ बोल रहा था? आप पता करवा लो, दूध का दूध पानी का पानी सब हो जाएगा। ये सब थारी वजह से हो रहा रूबी। जिंदगी में दूसरी बार मैंने पुलिस स्टेशन आना पड़ा, वो भी सिर्फ थारी वजह से। इससे पहले भी थारे बाप ने झूठे केस में मारपीट के आरोप में मैंने अंदर करवा दिया था, मैंने कुछ ना बोला, पर अब ना अपना मैं चुप ना रहूंगा। मैं बावड़ा ना समझ, मैंने ओए ले जाओ इसे। सुंदर एक शातिर अपराधी था, पुलिस उससे कुछ भी उगलवाने में कामयाब नहीं हो पाई थी। उन्होंने उसे शक की बिना पे गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन सबूतों और गवाहों के अभाव में पुलिस को सुंदर को छोड़ना पड़ा। पुलिस इसे एक आम हिट एंड रन केस मान रही थी, लेकिन ना तो प्रतिमा देवी और ना ही रूबी इसे मानने को तैयार थी। उन्हें पूरा विश्वास था कि सुंदर ने ही जय को मारा है। खैर, परिवार टूटकर बिखर चुका था। प्रतिमा देवी पहले भी रूबी को कसूरवार मानती थी और अब जय की मौत के बाद उससे नफरत करने लगी थी, और इसी नफरत ने कहानी को एक अलग मोड़ दे दिया। निकल जा मेरे घर से, सब कुछ तेरे वजह से हुआ है, अब तो शक्ल भी मत दिखाना। नहीं माँ जी, मुझे इस घर से मत निकालिए। माँ जी मैं कहाँ जाऊंगी? जाना तेरे असली पति के पास, तेरा हाथ इस घर से बिल्कुल नहीं है। जा। माँ जी मुझे मेरा बच्चा है। नहीं, ये मेरे बेटी की आखिरी निशानी है, इस सब में अलग नहीं करूंगी। ये मेरा जा तू। माँ जी कर मैं ही काम आया तेरे। उन लोगों ने तो तने रोड पर भीख मांगने के लिए छोड़ दिया ना, दर दर भटकने के लिए। जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, किसी ने में दिल नहीं होता है, एक नंबर के दुष्ट होते हैं ये। देख अपना काम निकल गया तो लात मार दिया तने, खरा बच्चा रख लिया यार। कितने सालों से रोज बना बना के खिला रही थी तू उनको, उनकी सेवा कर रही थी, तुझे क्या मिला बदले में? ऐसे ना करना चाहिए था इन्हें। इन क्या करेगी तू? तुम मेरी मदद करोगे? क्यों नहीं करूंगा मदद, पर मैं फ्री में किसी की भी मदद ना करूं। मुझे बस मेरा बच्चा चाहिए। मैंने बच्चा चाहिए और मैंने प्रॉपर्टी चाहिए, लेकिन उसके लिए हम लोगों को बुढ़िया को रास्ते से हटाना होगा, क्योंकि जब तक बुढ़िया जिंदा रहेगी किसी को कुछ ना मिलेगा। समझी? अपने बच्चे को पाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। इब तो तू हम लोगों की भाषा बोलने लगी। इब आजा, हाँ? ना? इतनी भी जल्दी क्या है, पहले काम। अरे होशियार हो गई तू, क्या बात है, ये वो मजा आएगा। अच्छा एक बात बताओ, जय को तुम ही ने मारा है? अरे
राम 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 कैसी बात करते हैं? ना 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 मैं शराब भी हो सकता हूँ, जुआरी हो सकता हूँ, आवारा हो सकता हूँ, पर कातिल नहीं हो सकता। अरे उसकी मौत तो दुर्घटना में हुई थी, सब जानते हैं, तुम्हें तो जानती है, कितनी बातें कर रही है। पर अम्मा को भी तो तुम्हें मारने का प्लान बना रहे हो। मैंने तेरा बच्चा नहीं चाहिए क्या? बुढ़िया को तो तू मारेगी। कल रात को हम दोनों उस घर में घुस जाएंगे। रूबी अपना पति खो चुकी थी और अब अपने बच्चे से जुदाई का गम बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। जिस शख्स की वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हुई थी, उसी शख्स के साथ यानी कि सुंदर के साथ मिलकर अब वो एक अपराध करने को तैयार हो गई थी। अपने अधिकार को पाने के लिए, न्याय को पाने के लिए अपराध का रास्ता अख्तियार करना निश्चित तौर पर गलत है। तो क्या रूबी अपने बच्चे को पाने के लिए सुंदर के हाथ का खिलौना बन गई थी? बुढ़िया को मैंने मार दिया है, बाकी का काम तुम जल्दी से निपटा लो। मारा काम हो गया। तू ऐसा कर कि सारे के सारे सामान ने अपनी अपनी जगह पे रख दे। लोगों ने ये नहीं लगना चाहिए कि हत्या हुई है, चोरी हुई है या डकैती हुई है। लोगों ने लगना चाहिए बुढ़िया तो बेटे के गम में मर गई। चल 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 चल, चल। जल्दी चलो, जल्दी करो सुंदर। अरे कोई आ जाएगा। अरे रुक जा, सारा सामान एक जगह रख। हाँ ठीक 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 ठीक। मरना पड़ेगा अब। तने तेरे पापों का प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा ना। जो तूने कर्म किया है, तने जो चाहिए था वो तो तने मिल गया। अब जब मैंने तारी प्रॉपर्टी चाहिए थी वो तो तने मार के ही मिलेगी। और दीदी जो बच्चा जब हमारे पास आ जाएगा तभी तो मिलेगा। नहीं नहीं, तने इससे ना मारूंगा। तारे पति को मारा था ना, ऐसे ही मारूंगा। उसके मर्डर को भी मैंने एक्सीडेंट बना दिया था। रुक लगी तो खाना बनाते समय जल के मर गई लड़की। तुम्हें जाके हत्या के जुर्म में अरेस्ट किया जाता है। बच्चे को काट दूंगा, काट दो बच्चे को, काट।
जैसे इसके पति ने मारा ना मैंने, ऐसे ही मार दूंगा सबको, एक एक को मार दूंगा। और मारे को क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? ये इसने मारा बुढ़िया ने, बुढ़िया ने मार। बच्ची को संभाल। आप लोग सही समय पर आए, ये तो मुझे मार ही देता। ले जाइए सर इसे। ऐसे क्या घूर रहे हो? तुझ जैसे दरिंदे को जेल पहुंचाने के लिए अगर मैं मर भी गई होती फिर भी वापस आती। मतलब तुम दोनों की चाल थी मैंने फंसाने के लिए। क्यों, प्लानिंग क्या सिर्फ तुम ही कर सकते हो? हमने भी प्लानिंग की थी। ये सब उसी का किया हुआ है, उसी ने जैक को मारा है। पुलिस उसे कोई सजा नहीं देगी क्योंकि उनके पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। लेकिन मैं उसे इतनी आसानी से बचकर नहीं जाने दूंगी। ये सब कैसे करोगी तुम बेटा? अगर हम उसे रंगे हाथों पकड़वा दें तो मैं उसके साथ पहले भी रह चुकी हूँ माँ। मैं जानती हूँ उसकी सोच कहाँ तक है। आप बस मुझे घर से बाहर निकाल दें तो मुझे लेने जरूर आएगा, फिर मैं उसके साथ उसके घर में रहूंगी, उसका विश्वास जीतूंगी और उससे कहूंगी कि मुझे आपसे बदला लेना है, उसे उसी के जाल में फंसाऊंगी। ये क्या कर पाओगी? अपने पति के कातिल को सजा दिलाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी माँ। उस रात मैंने ही माँ जी को कहा था कि मैं सुंदर को लेकर आऊंगी, इसलिए माँ जी ने मरने का नाटक किया था। और मैं बहुत अच्छे से जानती थी कि तुम मुझे मारने की कोशिश जरूर करोगे, इसलिए माँ जी वहाँ पहले से पुलिस के साथ मौजूद थी। बस तुम्हें रंगे हाथों पकड़ना था। अबे भी बता कि तन्ने जय को मारा कैसे? तुझ जैसे जानवर की जगह ये समाज नहीं, जेल है, वही मर। सुंदर ने ना केवल रूबी का घर तोड़ने की कोशिश की बल्कि हत्या जैसा जघन्य अपराध भी किया। आखिर रूबी और प्रतिमा ने उसे रंगे हाथों पकड़वाने का प्लान बनाया और सुंदर अपने ही लालच के जाल में फंस गया। सुंदर के इकबालिया बयान के आधार पर उसे आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या का दोषी पाया गया और उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई। अपने परिवार से कोई भी कड़वा सच ना छुपाएं क्योंकि परिवार होता ही है अपने दुख बांटने के लिए। और हमेशा सतर्क रहें सुंदर जैसे फरेबियों से। अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात एक और ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट बैक। तो सावधान।